नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लफेक्ट आई में। आज हम डेरा सच्चा सौदा में आने वाले लोगों से लगातार बातचीत करके सच्चाई आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। किस धर्म को मानता है डेरा सच्चा सौदा, कौन से धर्म का सम्मान करते हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा, हर बात की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार मैम, मैम क्या नाम है आप? जसप्रीत कौर मैम। हम कितने समय से डेरे से जुड़े हैं? मैम हम तो बचपन से ही जुड़े हुए हैं। हमारे पापा यहाँ से पहले नाम लेकर गए थे, तो हमने उनके तर्क चलते चलते अपने गुरु माना है पिताजी को, और अपना सब कुछ मानते हैं, उनकी जैसे प्रेरणा देते हैं हम उन्हीं की प्रेरणा पे चलते आ रहे हैं अब तक भी, और आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे जिंदगी भर। मैम कौन से धर्म को मानते हैं डेरा सच्चा सौदा, और कौन से धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं? मैम हमारे जैसे हम देखते हैं तो वो सब धर्मों को एक साथ मानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक जैसे हैं हमारे लिए। जैसे जिसे की मदद करनी है तो हमारे लिए वो सबसे पहले है, हम सबसे पहले दीन दुखियों की मदद करना ज़्यादा बेटर समझते हैं। मैम किस तरह की शिक्षा आपको डेरा सच्चा सौदा में दी जाती है? मैम बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, जैसे अपनी जैसे हम लेडीज़ हैं तो हमें बहुत आगे उठने की शिक्षा मिलती है, हम अपने आप पे डिपेंड हो सकते हैं। यहाँ आकर हमें एक भी बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं दिखता है, हम अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि हम कहीं भी जाकर कुछ भी काम कर सकते हैं। क्या क्वालिफिकेशन है? मैम हमने ITI की है प्लस टू के बाद, अब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं एज अ डाटा ऑपरेटर। मैम आप मतलब एजुकेटेड है इसके बावजूद डेरे में आ रहे हैं, तो मतलब अंधविश्वास जैसा आपको यहाँ पे कभी कुछ लगा? नहीं मैम बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस डेरा को मानते हैं, धर्म नाम सिमरन करते रहते हैं, बस अपना गुरु का नाम लेते हैं। मैम जो इल्ज़ाम गुरुजी पे लगाए जा रहे हैं उनके बारे में क्या राय है? बिल्कुल झूठे इल्ज़ाम है मैम, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। चलो जो मालिक को सब पता है, हम तो उनकी रजा में राजी हैं, जैसा वो करेंगे हम वैसा चलेंगे। मैम आज के समाज को देख के क्या लगता है आपको गुरुजी की कितनी ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मैम, इससे गुरुजी आएंगे तो हमें पूरी प्रेरणा मिलेगी, जैसे वो बोलते हैं वो हम सुनते हैं समझते हैं, और वैसा ही हम करने की कोशिश करते हैं, जितना हमसे होता है हम वैसा चलने की कोशिश करते हैं। हो सकता है मे बी कि पिताजी बहुत जल्दी आ जाएंगे, उनकी जैसी मूवीज़ दिखा के गए हैं हमें और शिक्षा दे के गए हैं, हम वैसा मानते हैं, उन पर दृढ़ विश्वास करते हैं कि वो जल्द से जल्द यहाँ आएंगे। किस तरह के बदलाव आ सकते हैं अगर गुरुजी समाज में आ जाए? बहुत अच्छा बदलाव आएगा मैम, जैसे पूरी सृष्टि ही बदल जाएगी, जैसे हम पहले सुनते आ रहे हैं कि बहुत अच्छा होता था यहाँ, बहुत अच्छा माहौल था, जैसे लेडीज़ को पूरी की पूरी शिक्षा दी जाती थी, वो अपने आप पे डिपेंड होती थी, अपने को बचा कर सकते थे, तो वैसा ही वो लेके आएंगे, ज़रूर लेके आएंगे। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या मैम सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से चाहिए अपील करेंगे कि वो अच्छे को ज़्यादा सपोर्ट करें, और नेगेटिव जैसे लोग फिरते हैं यहाँ उनको इग्नोर करें, और सच्चाई को सामने लेके आएं, जैसे जो हम डेरा का काम है, जैसे जो सफाई अभियान करते हैं और दीन दुखियों की मदद करते हैं, वो सामने लेके आएं और दिखाएं कि डेरा सच्चा सौदा आखिर है क्या चीज़। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। तो जैसा कि इन्होंने बताया, इस सरकार से अपील कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी गुरुजी को लाया जाए और सच्चाई को सामने लाया जाए। सभी धर्मों का सम्मान करते हैं सर डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इनसा सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। जुड़े रहिए द फैक्ट टाइम से। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।